बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एचआर आर्किटेक्ट्स। दोस्तों, मेरे आज का जो टॉपिक है वो है सीलिंग। रेविट में सीलिंग को किस तरह से क्रिएट किया जाता है, उसके लिए हम सबसे पहले जाते हैं वॉल पर। एक छोटा सा यहाँ पर रूम बना लेते हैं इस तरह से। रूम बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसके टॉप पर यहाँ पर इसकी छत बनाएंगे। छत बनाने के लिए हम लेवल टू पर चलते हैं, यहाँ पर फ्लोर और इसी तरह से यहाँ से रेक्टेंगल लेके इसे इस तरह से बना देते हैं। फिनिश करें, डू नॉट अटैच, इसके 3D व्यू में चलें। देखें, कुछ इस तरह से आपके पास एक रूम आ गया है। इसकी ये वॉल मैं डिलीट कर देता हूँ, मुझे जस्ट ये इस तरह से रूम चाहिए। अभी हम क्या करेंगे, अभी हमें चाहिए इसकी सीलिंग। सीलिंग के लिए क्या करेंगे, आर्किटेक्चर टैब में यहाँ पर ये देखें सीलिंग, सीलिंग पर क्लिक करें। ठीक है, अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, ऑटोमेटिक सीलिंग और स्केच सीलिंग। आपने स्केच सीलिंग पे क्लिक करना है। इसी तरह से यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इसको ड्रॉ कर लूँगा, जहाँ तक मुझे सीलिंग चाहिए। फिनिश करें, 3D व्यू पे जाएं। ये देखें, यहाँ पर आपकी सीलिंग आ गई है। इसका मैं कैमरा व्यू लेकर आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये आपकी सीलिंग है। इसका व्यू मैं रियलिस्टिक करता हूँ कुछ इस तरह से, ये आप देख रहे हैं, ये आपकी सीलिंग है। अपनी सीलिंग को आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर ये डिज़ाइन पसंद नहीं है, आपने कोई और डिज़ाइन रखना है तो वो भी आप रख सकते हैं। मैं कैमरा व्यू को ज़रा ज़्यादा करता हूँ। ये आपकी सीलिंग है। ठीक है, इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से GWB ऑन MTL स्टूडेंट, ये सीलिंग अपनी यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसका व्यू थोड़ा सा मैं वाइड कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी होगी। ये एक्चुअली हमारी सीलिंग है। इसकी हाइट जोन सी है वो डिफ़ॉल्ट पे है 8 फीट पे, यानी ग्राउंड फ्लोर से 8 फीट पे सीलिंग है हमारी। इसको चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर भी सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं 9 फीट करता हूँ, अप्लाई, तो ये देखें ऊपर चली जाएगी, क्योंकि आपकी छत की हाइट जोन सी है डाउन है, इसलिए इसमें 8 फीट ही करूँगा। यहाँ पर अप्लाई, ये यहाँ पर हमारी सीलिंग आ गई। अब हमने करना क्या है, हमारी सीलिंग है, हमने अपनी सीलिंग पे डिफरेंट डिज़ाइन कुछ बनाने हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारी सीलिंग है उस पर डिफरेंट डिज़ाइन आए। अब जो भी आप डिज़ाइन बनाना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है, आप किस तरह का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। मैं आपको जस्ट तरीका बताऊँगा कि किस तरह से यहाँ पर हमने डिज़ाइन बनाना है। ये देखें, ये आपकी सीलिंग है। ठीक है, इसे डबल क्लिक करके हम एडिट करेंगे, ये लेवल टू ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम थोड़ी सी इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। डिज़ाइनिंग के लिए क्या करेंगे, पहला हम ये काम करेंगे कि रेक्टेंगल लेंगे और इसका यहाँ से ऑफसेट ले लेते हैं 1 फीट। टैब प्रेस करें, ये इनसाइड इसका ऑफसेट आ जाएगा। ठीक है, ऑफसेट बढ़ाना चाहें तो भी बढ़ा सकते हैं, मैं यहाँ पर 2 फीट करता हूँ। डिपेंड करता है कि आपको रूम का साइज़ कितना है, किस तरह की आपको डिज़ाइनिंग चाहिए। मैं कुछ इस तरह से ऑफसेट मुझे चाहिए, एक तो ये हो गया। अब यहाँ पर सेंटर में मैं थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करूँगा, यहाँ पर रूम के सेंटर में। इसी का डिज़ाइनिंग क्या करते हैं, यहाँ से मैं एक लाइन लेता हूँ, इसका सेंटर मार्क कर लेते हैं, सॉरी इसको ऑफसेट में 0 करता हूँ, 0 फीट। यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, अब इसका मैं ऑफसेट लेता हूँ 2 फीट। ये देखें इस तरह से, ये देखें हमारे पास इस तरह से आ गया। इस तरह से ये मेरे पास सेंटर इसका आ गया। यहाँ पर मैं एक सर्कल बना लेता हूँ जितना मुझे चाहिए। ये मुझे सर्कल चाहिए, बाकी सब लाइन मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे डिज़ाइनिंग में ही सर्कल चाहिए। एक सिंपल सा डिज़ाइन मैं बना रहा हूँ आपको जस्ट बताने के लिए। इसको मैं स्प्लिट कर देता हूँ, ट्रिम कमांड,
इसको भी ट्रिम करते हैं। इस तरह से कुछ इस तरह का हम डिज़ाइन बना लेते हैं, एक सिंपल सा डिज़ाइन है, ठीक है। इसको फिनिश करता हूँ। फिनिश करके जब आप 3D व्यू में जाते हैं तो आप ये देखें, आपकी सीलिंग का डिज़ाइन कुछ इस तरह से आपको शो होगा। ये आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर आप मज़ीद कुछ डिज़ाइन बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। 3D व्यू में चलते हैं। इसका मैं 3D व्यू थोड़ा चेंज करता हूँ। ये देखें, ये आपका सीलिंग डिज़ाइन है, ठीक है। ये देखें, नीचे से आप देखेंगे तो इस तरह से नज़र आएगा। इसको मज़ीद आप चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जो जो डिज़ाइनिंग आपको पसंद है उस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मज़ीद मैं चेंज करना चाहूँ, यहाँ से यहाँ तक ये, फिनिश करें। अब देखें, आप कुछ इस तरह से डिज़ाइन आ जाएगा। जो जो डिज़ाइन आपको जिस तरह से चाहिए वैसे वैसे आप डिज़ाइन इस तरह का बना सकते हैं। तो सिंपल है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इस तरह से कोई भी आप अपनी सीलिंग का डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप पूछ भी सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको उसका ज़रूर आंसर करूँगा। ये सिंपल डिज़ाइन है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और मज़ीद डिज़ाइनिंग में सीलिंग को क्रिएट किया जा सकता है। अगर आप अपनी मर्ज़ी का कोई डिज़ाइन चाहते हैं तो वो भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर उस चीज़ को वीडियो में अपलोड कर दूँगा ताकि वो ट्यूटोरियल आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाए। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।